हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। आशा करुच्ची आपण माने भल थे। देखो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा कंप्यूटर प्राक्टिस सेट वन। ये आम कंप्यूटर थ्योरी क्लास भी करुँच बट आज आम एमसीक्यू क्लासेस करवा कि क्वेश्चन एथेरी आप डिस्कसन करी है कंट्राक्चुअल हाईस्कल टीचर जूनियर टीचर आज जेकोसी एक्जाम हो तो समस्त ये हेल्पफुल हम। जदि यार पीडीएफ चाहती टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मिल जाए। आज यदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे शेयर करेंगे बुझे तो चलते डेरी न करके हम स्टार्ट करवा वीडियो। प्रथम क्वेश्चन देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। आम जो ग्रामर आउ स्पेलिंग चेक करवाई आम कौ की यूज कर था बेसिकली आम चेक कर था कौन एफ सेवेन। एफ सेवेन द्वारा आम ग्रामर आउ स्पेलिंग गोटे डॉक्यूमेंट रे चेक कर था। आउ आप मन रखे रिबन जो आपणकर कौन अच्छी चलो रिबन रिबन द्वारा आम कौन कर स्टार्ट भी आम कौन कि चेक कर पारा स्पेलिंग है रिबन द्वारा आम रिबन आट स्टार्ट अल्सो कैन बी चेक स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर है कि लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर किए ये आम क्वेश्चन पचार लॉजिकल ऑपरेशन आप जानते हैं सी हूँ कौन ना गोटे देख कंप्यूटर कौन कौन एक्चुअली मानने परफॉर्म करथाय ऑपरेशन आपन को जानते हैं आरिथमेटिक आउ कौन लॉजिकल ऑपरेशन है आरिथमेटिक आउ लॉजिकल ऑपरेशन ये दुटा कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म करथाय। जमी आम लॉजिकल प्रोपरेशन मैंने जो ऑपरेटर आम एग्जांपल नहीं पारा कौन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू अपोजिट एटसेट्रा। सो लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर आमको पचार सो ये ऑप्शन द्वारा आम कौन हो ग्रेटर देन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द सीपीयू। सीपीयू भितर किए रोज प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी माउस कीबोर्ड सो कौटा हो करेक्ट आंसर देखते भल भाव एटा आप मन रखे जी रोचे आमर इनपुट डाटा आउ इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है कौन मेमोरी इनपुट डाटा आउ इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है मेमोरी जोटा कि दुटा टाइप मेमोरी था गोटे हूँ प्राइमरी मेमोरी गोटे हूँ सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी कौन कि सीपीयू भितर आसी थाए है प्राइमरी मेमोरी मानने सीपीयू भितर आसी थाए बुझे सो प्राइमरी मेमोरी ये आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हाउ आर द फोर मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड इंटरनली। आमर जो चार्टा मेन कंपोनेंट अच्छी कंप्यूटर रे है सी केमी इंटरकनेक्टेड होता है इंटरनाली कौन कौन चार्टा जमी आप एएलयू आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीओ कंट्रोल यूनिट मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस ये चार्टा कंपोनेंट रही है ये कनेक्टेड केमी होता है ये बसेस द्वारा कनेक्टेड होता है बसेस एम हो कौन पार्ट जे कि यही पार्ट सब कनेक्टेड होता है कौन आपर बसेस द्वारा तो बसेस हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिजिटल कंपोनेंट ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर जो आप डिजिटल कंपोनेंट रोचे हाइब्रिड कंप्यूटर तार फंक्शन कौन आमको पचार फंक्शन कौन हो भल भाव देख तो तार फंक्शन आपको कौन हो कंट्रोलर हो कौन कंट्रोलर है ये कंट्रोल भाव में आक्ट कै प्रोवाइड करता है लॉजिकल आउ न्यूमेरिकल ऑपरेशन ये दुटा प्रोवाइड करता है गोटे लॉजिकल आउ न्यूमेरिकल ऑपरेशन से राइट आंसर हो कंट्रोलर। नेक्स्ट देख ह्वाट इज द जॉब ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्डर जॉब कौन ह्वाट इज द जॉब ऑफ द मदरबोर्ड मदरबोर्डर काम कौन मदरबोर्ड कौन काम करता है आपण मैंने जानते मदरबोर्ड हूँ कौन ना सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड को आम कौन कर सर्किट बोर्ड कहूँ जे कि जेनराली कौन थाए ना माइक्रो कंप्यूटर थाए जे कि ये होल्ड करता है आलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कौन कि आपंकर जी रोचे क्रुशियाल इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट गोटे सिस्टम आम कहीपर सीपीओ सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो मेमोरी ये कनेक्टर बा अदर पेरिफेरल डिवाइस रे भी होता है तो से हमें होल्ड ऑल द सर्किट एंड द कंपोनेंट टुगेदर ये हूँ कौन मदरबोर्ड काम होल्ड ऑल द सर्किट एंड कंपोनेंट टुगेदर। तापर देख कहला सॉफ्टवेयर इज सेट अप इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक टास्क व्हिच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर किए ये सॉफ्टवेयर नुह किए सॉफ्टवेयर नुह देख माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गोटे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये गोटे सॉफ्टवेयर किंतु मॉनिटर ये कौन कि सॉफ्टवेयर नुह मॉनिटर हूँ कौन मॉनिटर हूँ हार्डवेयर है
ये हूँ कौन मॉनिटर हार्डवेयर कंपोनेंट बुझिपारे तो सॉफ्टवेयर जनरली वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम को लेकर आई था ऑपरेट भी कवर था जितकी डिवाइस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ दिस द हाईएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी कार हाईएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी अच्छी यदि आम देखा हाईएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी कौन अच्छी ना ऑप्टिकल फाइबर हाईएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी अच्छी कार ऑप्टिकल फाइबर जे कि 26,000 टाइम ये कौन कि ट्रांसमिशन करमकर अच्छी ट्विस्टेड पेयर केबल ठारू हो आपंकर कोक्सियल केबल ठारू ये सब ताठारू कौन कि 28,000 करिथाय अधिक हला। सो ये राइट आंसर आपंकर कौन है ऑप्टिकल फाइबर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ दिस इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टेड ओरिएंटेड नेटवर्क नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन है इटी कौन है टीसीपी टीसीपी हूँ कौन ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये तो हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है करेक्ट आंसर। ये कनेक्शन करता है कौन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आउ एंड टू एंड पैकेट डेलीवरी जो रोचे आउ टीसीपी भी माने क्वेश्चन आसो टीसीपी आक्ट एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी आम कही पार्टी टीसीपी आक्ट एज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी राइट आंसर है तो क्वेश्चन आसो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर टीसीपी आईपी यूडीपी ऑल ऑफ द ऑप्शन है सो टीसीपी मार बुझे तो टीसीपी हूँ कौन बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। व्हिच ऑफ दिस नोन एज इंडियाज फास्ट वेब ब्राउजर तो इंडियाज फास्ट वेब ब्राउजर किए आपण मन रखे इंडियाज फास्ट वेब ब्राउजर हूँ एपिक एपिक वेब ब्राउजर लॉन्च कराइला कौन गोटे बैंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर फार्म द्वारा लॉन्च कराइला ता ना हूँ कौन हिडन हिडन रिफ्लेक्स हिडन रिफ्लेक्स है एपिक कौन गोटे मैंने गोटे मोजिला आपंकर जो अच्छे मोजिला प्लाटफॉर्म ये हूँ कौन गोटे बेस्ड कर बेस्ड ऑन मोजिला प्लाटफॉर्म तो एपिक है करेक्ट आंसर। देख व्हिच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन अपोलो आईफोन 6 कौ ऑपरेटिंग सिस्टम आम अपोलो आईफोन 6 रे आम यूज करती सी हूँ कौन आपण मैं जानते iOS है iOS है करेक्ट आंसर। ये डेवलप्ड कराइला कौन अपोलो इंक द्वारा डेवलप कराइला प्रेजेंटली ये कौन कि जी अपोलो मोबाइल डिवाइस डिवाइस रोचे सी यूज कराऊँ आईफोन कहींपर आईपैड कहींपर आईपड टच कहींपर तो ये सब से यूज हो। देख व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट बटन इन एमएस विंडो रो स्टार्ट बटन ने यूज कौन ना स्टार्ट बटन ने यूज कौन डिवाइस सेटिंग को एक्सेस कर सटडाउन कर पीसी को स्टार्ट कर एप्लीकेशन सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर बुझिपारे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर वेबसाइट एनिमेशन कौ लैंग्वेज आम स्पेसिफिकली डिजाइन कर कौन वेबसाइट एनिमेशन को लेकिन कौन से एप्लीकेशन ना हूँ कौन आप मन रखिए एक्शन स्क्रिप्ट ये गोटा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम कहते ये डिजाइन स्पेशियली वेबसाइट पर वेबसाइट एनिमेशन है कि मैंने किए ना ओरिजिनली ये रिलीज कराइला क्या द्वारा ना माक्रोमेडिया फ्लाश 4 द्वारा रिलीज कराइला है माक्रोमेडिया फ्लाश 4। देख नेक्स्ट व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एमएस ऑफिस वेब सर्विस सो एमएस ऑफिस वेब सर्विस किए नु ये ना ये हूँ कौन ड्रॉप बॉक्स है देख मुझे ये एस एस बी एग्जाम कंडक्ट कर मैंने टिके लेवल उपरको आमको पढ़ाक पड़ो है सो ड्रॉप बॉक्स है करेक्ट आंसर। ड्रॉप बॉक्स गोटे हूँ कौन फाइल होस्टिंग सर्विस है फाइल होस्टिंग सर्विस जी क्लाउड स्टोरेज ऑफर करता है आउ आप जो फाइल सिक्नोराइजेशन भी करता है ये है फाइल सिक्नोराइजेशन जो रोज करता है पर्सनाल क्लाउड करता है ये आपंकर क्लाइंट सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटर है कौन आप यूएस बेस्ड कंपनी ड्रॉप बॉक्स इंक द्वारा ये कौन कि ऑपरेटेड है सर राइट आंसर ड्रॉप बॉक्स है जो। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन एमएस वर्ड 2003 सो एमएस वर्ड 2003 रे कौ फाइल एक्सटेंशन यूज कराइला सी हूँ कौन डॉट डॉक आम कहींपर डॉक ये हूँ फाइल नेम एक्सटेंशन वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएटेड होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 ये कौन कि वर्जन जो आसा से यूज होता। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ट्रिगर यूज्ड इन एमएस पावर पॉइंट सो एमएस पावर पॉइंट रे हमें कौन ट्रिगर हम यूज करता हूं यदि हमें कहबा देख ट्रिगर कौन ट्रिगर एक्चुअली अलाउ करता है हमको यूजर ट्रिगर अलाउ यूजर टू इनिशिएट सीक्वेंस एनिमेशन है सीक्वेंस एनिमेशन पे एटा करता है पावर पॉइंट रे जमी हमें गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जितने क्लिक करते गोटे साइड रही
आम मैंने सिंपल मैंने माउस को क्लिक न करके आम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो गोटे स्लाइड रे क्लिक करता है तो ये आमको शो करता है। सो राइट आंसर इज सी इनिशिएट अ सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। हाउ कैन ऑल टेक्स्ट इन द स्लाइड्स बी सिलेक्टेड इन एमएस पावर पॉइंट केमी सब टेक्स्ट गोटे स्लाइड रे आम एमएस पावर पॉइंट रे सिलेक्ट कर परिबा केमी सिलेक्ट कर परिबा कोटा आम ये करी ना जी भी आम टेक्स्ट रहा स्लाइड रहा ताको हमें सिलेक्ट करिबा कौन कंट्रोल ए प्लस बाय क्लिकिंग कंट्रोल ए इन आउटलाइन व्यू हैला आउ एठी कोन की सब स्लाइड व्यू हमको शो करिवो। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द फंक्शन व्हाट इज आईआईएफ फंक्शन इन एमएस एक्सेस। देखो आईआईएफ होची कोन सेटा का हमें कोन कोन दी आईआईएफ को इमीडिएट इफ हैला तो इमीडिएट इफ सो राइट आंसर इज बी। सो ये हूँ कौन मैंने आई एफ हूँ आब्रिविएसन हूँ इमीडिएट इफ या फंक्शन करे ये एक्सप्रेसन करे आइदर ट्रु और फॉल्स है जी आम वैल्यू रोचे मैंने से ट्रु आउ फॉल्स अच्छी से चेक करे। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस ई बैंकिंग सर्विस तो कौटा आम एक्सेस करते ई बैंकिंग सर्विस देखते ये आम जो ई बैंकिंग रोज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई बैंकिंग सर्विस या आम कहींपर पीसी पीडीए एटीएम सो ऑल ऑफ द अबव इज वेरी करेक्ट आंसर है। तो ये आप 19 क्वेश्चन तो केमती लगेगा कंप्यूटर सेट मत कमेंट करेंगे जदि आप कंप्यूटर सेट चाहूँ आ कमेंट करेंगे आम आ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।